ये मैं ज्ञानी से लेके आया हूँ। ये है ब्लूबेरी क्रीम चीज वेफविच, ये है ब्लूबेरी संडे, ये है कीकी एंड ओरियो क्रीम वेफविच। हेलो गाइस, दिस इज अजय, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे करा दिए हैं, तो खुशी का मौका था तो कुछ मीठा खाना बनता था, तो आज सेलिब्रेट करने वाले हैं हम आइसक्रीम्स के साथ। तो लेते हैं खाने के मजे विद अजय और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्रैकर जैक संडे, ये मैं ज्ञानी से लेके आया हूँ, तो इससे शुरुआत करते हैं क्योंकि ये पिघलने लगी है। आइसक्रीम मुखबांग में बहुत टाइम से सोच रहा था बट हो नहीं पाता है क्योंकि आइसक्रीम पिघलने लगती है। ज्ञानी में मेरा फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा गजब टेस्ट होता है इसका। इसको साइड करते हैं, बहुत ही गजब टेस्ट होता है इसका। इसमें चॉको चिप्स, टूटी फ्रूटी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पिघल चुकी है आइसक्रीम, साइड में होता है इसमें वेफर। जितनी अच्छी है ना उतनी महंगी भी है, 200 रुपए की है। इसमें ओरियो बिस्किट भी डालते हैं। संडे मतलब दो तीन आइसक्रीम मिला के, उसमें काफ़ी चीज़ें मिला के जो एक आइसक्रीम बनाते हैं उसे संडे बोलते हैं। वेफर बच गया, ये मिल्क शेक्स भी मंगा रखे हैं मैंने केवेंटर्स से। ये हेजलनट मिल्क शेक, देखते हैं कैसा होता है। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका। ये है ब्लूबेरी संडे, ये भी पूरा मेल्ट हो चुका है। ये देखिए कितना गजब लग रहा है ये। इसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं है बट ब्लूबेरी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। बक क्रैकर जैक बहुत अच्छा है। इसका क्रंची अभी भी वेफर, वेफल बचा है इसका भी। ये वेफल इतना गजब होता है ना खाने में, मजा आ जाता है। सर्व करते हैं, यह है केसर बादाम मिल्क शेक,
देखते हैं कैसा होता है। ये वाला बहुत गजब हो रहा है। यह है ब्लूबेरी क्रीम चीज वेफविच। ये मैंने बेल्जियम वेफल से मंगाया है। थोड़ा सॉगी हो चुका है ये, या पता नहीं ऐसे ही होता है, मुझे पता नहीं है, फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ मैं। कुछ ऐसा है। ये इन्होंने एज अ सैंडविच बना रखा है, वेफ विच करके इसका नाम है। काफ़ी अच्छा हो रहा है ये, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि एक्सट्रीम लेवल पे मीठा नहीं है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में। इसमें थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर भी आ रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा था ये भी, बट आई एम नॉट श्योर कि ये ऐसा ही होता है या फिर इसका बाहर का पार्ट क्रंची होता है। मैंने क्रंची एक्सपेक्ट किया था। यह है कीकी एंड ओरियो क्रीम वेफविच। ये भी सॉगी हो चुका है, अब पता नहीं कैसा होता है, अब एक बार वहीं जाके खाना पड़ेगा। ट्राई करते हैं। बहुत ही गज़ब हो रहा है ये, और जिन जिनको डार्क चॉकलेट पसंद है उनके लिए जन्नत है ये, मेरे को बहुत पसंद है। थोड़ा सा क्रंची सा टेक्सचर आ रहा है अंदर से, बहुत ही ज़्यादा गज़ब हो रहा है। बट ये मीठा बहुत ज़्यादा है। ये क्रीम बहुत ज़्यादा गजब हो रही है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फ्लेवर आ रहा था इससे, अब पता चला है इनके बेस्ट सेलर्स आइटम में क्यों था। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। ओरियो कॉर्नेटो ट्राई करते हैं अब, मैं इसका बैंड बच जाएगा बाद में। तो हो चुकी है मेल्ट। ओ पूरी मेल्ट हो चुकी है। क्रंची पार्ट इसी में रह गया था। ये तो है ही ऑल टाइम फेवरेट। इसके बारे में तो शायद ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों की फेवरेट होगी ये। ये लास्ट का पार्ट मेरे को बहुत ज़्यादा गजब लगता है।
पूरी आइसक्रीम खाने की इतनी खुशी नहीं होती जितना वो लास्ट वाला चॉकलेट वाला पार्ट खाने की होती है। तो गाइस शाउट आउट का टाइम आ चुका है। मेरी लास्ट वीडियो में फर्स्ट कमेंट आया खुशबू सरेला का, ये बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी पर हमेशा 2-3 मिनट लेट हो जाती थी। और जो बेस्ट कमेंट्स होंगे वो मैं स्क्रीन पे डालूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी को, आपकी वजह से अब ये फैमिली धीरे धीरे बड़ी हो रही है। अब खाते हैं मैग्नम चॉकलेट ट्रफल, जिस बात का डर था वही हुआ, ये पूरी मेल्ट हो चुकी है। गाइस मैं फर्स्ट टाइम खाने जा रहा हूँ क्योंकि ये इतनी महंगी आती है, इसे खरीदने के बदले मैं ब्रेकी खरीद लिया करता हूँ। तो ट्राई करते हैं इसको। फ्लेवर तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा चॉकलेटी है। ऐसी उल्टी आइसक्रीम मैं पहली बार खा रहा हूं। ये भी डार्क चॉकलेट पसंद करने वाले लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। आप टेस्ट करते हैं क्वालिटी वॉल की, ये नई आई है ट्रिस्की चीज केक आइसक्रीम, देखते हैं कैसी होती है। इसमें भी ब्लूबेरी की काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ ऐसी है दिखने में। और अचानक से फिर से देहरादून में बारिश होने लगी है, देखिए कुछ ऐसी है। करते हैं ट्राई। पूरी मेल्ट हो चुकी है। इस आइसक्रीम में 3 लेयर्स होती है, ऊपर वो ब्लूबेरी का टेस्ट आ रहा था, बीच में वनीला और लास्ट में है सिनेमन कुकी क्रम्बल। काफ़ी अच्छा टेस्ट हो रहा था इसका और तीनों लेयर का अपना अलग मज़ा है। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है इन मिल्क शेक्स का। इसमें नीचे बैठ चुका है हेज़लनट। अब टेस्ट करते हैं ट्रिस्की कुकी, तो कुछ ऐसी है ये। इसमें भी 3 लेयर होती है, सबसे ऊपर चॉकलेट की लेयर है, ये भी पिघल चुकी है। काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। ये देखिए कुकी को क्रश करके इसमें डाला है शायद, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। सीरियसली आज सब कुछ जल्दी जल्दी में करना पड़ रहा है, तो आज ज़्यादा आप लोगों से बात भी नहीं हुई है। अभी फिर कुछ लोग बोलेंगे कि ये छोटे छोटे माइलस्टोन में सेलिब्रेशन करने की क्या ज़रूरत है, बट मेरे लिए सीरियसली बहुत बड़ी चीज़ है और लाइफ में खुशियाँ मनाने के मौके बहुत कम मिलते हैं, तो छोटा ही मौका मिले उसे सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। इसमें बॉटम में देखिए कुकी की लेयर है। काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। मज़ा आ गया, दोनों ही नए फ्लेवर बहुत अच्छे हैं और जैसे पिज़्ज़ा में डोमिनोज है वैसा ही आइसक्रीम में मेरा फेवरेट क्वालिटी वॉल्स है। अब लास्ट बची है मैग्नम एलमंड फ्लेवर। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं इसे ट्राई करने के लिए हूँ। ये देखिए कुछ ऐसी है अंदर से। बहुत ज़्यादा मीठी है बट काफ़ी अच्छी हो रही है। काफ़ी
काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें एलमंड का भी, और अंदर शायद थोड़ा कैरेमल जैसा टेस्ट आ रहा है। काफ़ी अच्छी हो रही है, बट आज मीठा बहुत ज़्यादा हो चुका है मेरे लिए। मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो रही थी ये, बट अभी भी मैं अपना पैसा ब्रिक में इन्वेस्ट करूँगा, 90 रुपये की इतनी सी आइसक्रीम नहीं खरीदूँगा। ये बच गया। इसको भी ख़त्म करते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर्स था इन कैवेंटर्स का शेक का भी, थोड़ा कॉस्टली है बट काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स हैं इनके। तो गाइस फिर से थैंक यू सो मच, इस बार आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर 1 महीने से भी कम समय में पूरे करा दिए। आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। तो वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।